ये एवेन्यू का ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर कोई आकर के फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनका ऐसा शो मॉल के बीचों बीच में कर रहे हैं। तो इसी कप पर ये जो कप है Once again, मोहम्मद फिरोज खान इज हियर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा, क्विट टावर वाला। आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ आइकिया। आइकिया के ब्रेकफास्ट को मैं बहुत मिस कर रहा था, तो आइकिया जो एवेन्यू में वहाँ पे जाने वाला हूँ। बाकी सब बढ़िया, फिर चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए आइए। मेरे दिल में एक बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी दिनों से मैं उस बात को अपने दिल में दबा करके रखा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई बात जब इंसान अपने दिल में दबा कर रखता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता है, किसी को बोल नहीं पाता है, अजीब सी फीलिंग आती है ना। आप लोग रखे हो क्या अपने दिल में कोई बात? रखे हो तो आप लोग समझ सकते हो। ये आप मेरे पीछे हरियाली देख रहे हो, ऐसा लगता है कि ये मेहंदी का पेड़ है। पूरे कुवैत में आपको इसके पेड़ दिखेंगे। पहले जब मैं आइकिया में गया था, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, कप जो है नूस या रूबा का मिलता है, याद नहीं है ठीक से, दो तीन महीना हो गया। तो उस कप से मैंने 10 बार गरम गरम दूध पिया, 10 कप, 2 कप कॉफ़ी पिया, 1 कप चाय पिया। तो आप लोग भी अगर आइकिया में कभी जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ कप का पैसा लगता है, एक कप ले लो और उसको बार बार रिफिल कर सकते हो। ये बढ़िया है भाई, इसीलिए आज जा रहा हूँ आइकिया वापस से। काफ़ी दिनों के बाद डबल डेकर बस में बैठा है, अभी सामने का व्यू देखिए। जस्ट अभी बस से उतरा हूँ और मेरे सामने है आइकिया। ये जो आइकिया है एवेन्यू में, एवेन्यू इतना बड़ा मॉल है कुवैत का, वर्ल्ड का मेरे को लगता है सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है, और कुवैत का तो सबसे बड़ा मॉल है आइकिया, नहीं सॉरी एवेन्यू। ये देखो यहाँ पर है आइकिया। मेरे पीछे एवेन्यूज, द एवेन्यूज, और यहाँ पर है आइकिया। इधर है कली, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग 2 हफ्ते के बाद में मिल रहे थे। लास्ट वीक जो हमारा प्लान था वो फेल हो गया था। हाँ, लास्ट फ्राइडे को। क्या बोल रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शायद कोई सी लोग का कुछ शो हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। सिंगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो देख के उसके बाद आइकिया में चलेंगे। ओके हाँ, तो ये हो रहा है भाई यहाँ पे, कोई लोगों का ये लोग यहाँ सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं अपने अरबी में इन लोग का जो भी सिस्टम होगा। हाँ। तो बस खाली मतलब फन के लिए सिंगिंग करते हुए मिलता नहीं ये लोग, समझ में आया नहीं हम लोगों को, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनका ऐसा शो मॉल के बीचों बीच में कर रहे हैं, मज़ा आया देख के। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं आइकिया में, तो चल के देखते हैं क्या खाते हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह, सारा कुछ आपके सामने रहेगा। आइकिया के फूड कोर्ट में जाने के लिए हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है, आइकिया फर्नीचर्स देखते हुए हम लोग चलेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से होकर के। ये यहाँ पे सब पिलो वगैरह लगा है, बेड लगा है, ऐसा रूम जैसा बना, ये सेल करने के लिए सब? हाँ पूरा ये सेल करने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार। सो ये एक ऐसी मतलब सोचा कि हम बना लेते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो सब रूम टाइप का। तो अभी हम लोग हैं आइकिया में, आइकिया के फर्नीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम टाइप का भी है, पर वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर हाथ धोने की सर्विस स्टाफ फ्रॉम इस मार्केट डिपार्टमेंट एंड सो लोग बोल रहे हैं मस्त है। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है छोटा सा। तो राइट नाउ आप आइकिया को देख रहे हो, देख सकते हो यहाँ पर पूरा किचन बना हुआ है। तो ये पूरा किचन का प्राइस नहीं है, यहाँ पर एक एक चीजें बिकती है, देख सकते हो। ये हीटर है, हीटर का प्राइस 3KD है, और एक एक चीज़ों की प्राइस यहाँ पे लगी हुई है। तो ऐसा आपको थीम बना करके देंगे आइकिया वाले, अगर आप पूरा सेट लेना चाहते हो तो सेट भी मिल जाएगा।
तो ऐसा कुछ था। वैसे यार जबरदस्त लग रहा है ना, पूरा ऐसा लग रहा है कि रूम में कोई रह सकता है। वाह आइकिया वाह। तो आ गए हम लोग आइकिया फूड कोर्ट, यहाँ से अब हम परचेसिंग करना स्टार्ट करेंगे। सामने डिस्प्ले पे हमें दिख रहा है, तो नॉर्मल सा हमें नाश्ता करना है, तो चलते हैं और देखते हैं परचेस। एप्पल केक, डैम केक, 550 पीस, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। चीज़ सैंडविच है, स्मूथी है। फाइनली करीम भाई ने ट्रोली ले लिया है। चलो भाई यहाँ से ट्रे 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 लो ट्रे लो और इधर आ जा। ये वाला 500 फिल्स का है, एक एक लेते ट्राई करते हैं ये, और एक ये लेते, ये 650 का है। ओके और ये एक लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, जो भी अच्छा लगा बाद में ले लेंगे। ओके सो ओके, फिर उसके बाद ये तीन ले लेते हैं। तुम कौन सा लोगे, मैंगो वाला लोगे या ये वाला? मैंगो ले लो, मैंगो तीन लेता हूँ। यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको एक ट्रॉली मिलती है, उसमें आप प्लेट रख लो और आपको जो कुछ भी लेना है ले लो, उसके बाद आप जाकर के बिलिंग करा सकते हो। तो ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ 3-4 केक और पेटिस लिया है, नीचे आपको जूस दिख रहा है। सो इसी कप के बारे में बात कर रहा था, इस कप का प्राइस है 400 फिल्स। सो इसको आप बार बार रिफिल कर सकते हो, मिल्क पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, जो चाहे वो पी सकते हो। ओके सो यहाँ पर मैं मैम से डिस्कस कर रहा हूँ कि इन दोनों का प्राइस सेम है क्या, तो मैम ने बताया कि वाइट वाले का प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है। वाइट वाले में आप कॉफ़ी मिल्क पी सकते हो और इससे जूस वगैरह पी सकते हो। सलीम भाई ने तो रायता फैला दिया एक जूस गिरा दिया उन्होंने। ओके सो अब कप लेते हैं और जिसको जिसको तुमको क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, मिल्क चाहिए? मिल्क चाहिए। तुमको क्या चाहिए? कॉफ़ी ले लो। आराम से भाई, आज आपका दिन सही नहीं लग रहा है। ये इसको भर के आता है। सबसे पहले इसको हम क्लीन करेंगे, कॉफी मिल्क। जो मेरे अमेरिकन से कुवैत में है, अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो जरूर एक बार आइकिया में आओ, विजिट करो और ये केक जरूर खाओ। ये कौन सा कंट्री का फ्लैग है? चल बैठ। ओके गाइस, तो अभी हम ये खाने जा रहे हैं और पीने जा रहे हैं। जितनी बार भी हम राउंड लेंगे वो आपको लास्ट में बता देंगे कितनी। चलो भैया एक बार और दूध दूध पियो, ताकत बनाओ। सिर्फ एक ही गिलास दूध पिए हैं, इतना सारे चीज़ें ले लिए थे, खा गए पेट भर गया, इसके लिए दूध नहीं पी पाए। तो फिर अगर चाहेंगे बैठ कर पी सकते हैं, लेकिन अब मन भर गया, चलते हैं अब थोड़ा एवेन्यूज मॉल को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो हमारा आइकिया का टोटल खर्चा हुआ, तो तीन लोग थे हम लोग, तीन केक लिए थे, तीन जूस लिए थे और तीन कप लिए थे, तो 4 KD के अंदर में सब हो गया। तो आप लोग भी देख लो, अगर वन पर्सन आता है तो 1 से 1.5 KD के अंदर फुल पेट भर करके जा सकता है, ब्रेकफास्ट कर सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड मिल्क और टी मिल सकती है। हाँ, इसमें अनलिमिटेड मिल्क टी मिल सकती है और उसी कप में आप शायद जूस वगैरह पी सकते हो, मे बी। ये हमने ट्राई नहीं किया, ट्राई करना चाहिए यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। चलो कोई बात नहीं, कसम से यार अलग लेवल की फीलिंग आ रही है अभी, ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में आ गए हैं। देख रहे हो क्या खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग देखो। ओके ओके सो इनसे मिलिए, ये है हमारे तारिक भाई जो कि हमारे ज़िले से और आज हमसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर है। से पूछना था, आप एवेन्यूज मॉल में काफ़ी साल काम कर चुके हैं? जी हाँ, मैं 2012 में आया था। अच्छा, यहाँ के हर जगह से वाकिफ होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर है H&M का शोरूम जो कि काफ़ी बड़ा है। सो इसके अंदर भी हम जा चुके हैं और इसमें से टी शर्ट वगैरह ले चुके हैं, तो वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा शोरूम है कुवैत में H&M का। तो राइट नो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये एवेन्यू का ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर कोई आकर के फ़ोटो और वीडियो लेता ही है। तो हमने भी यहाँ पर एक शॉर्ट बनाया है, रील बनाया है, तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और एक बार देख लो बच्चे कितना खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरा राउंड डिस्प्ले एक। तो जी ये जो तारिक भाई हमसे मिले हैं एवेन्यू में, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करा रहे हैं, घुमा रहे हैं कि मैं यहाँ पे वो क्या बताऊँ। 2 से 3 बार एवेन्यू आकर जा चुका हूँ लेकिन इन जगहों पे आया नहीं हूँ अभी तक। ज़बरदस्त सीन लग रहा है यार, ये देखो क्या ही सीन है। ये एक रेस्टोरेंट है, इतने सारे अनार। भाई ये अनार क्यों रखे हैं यहाँ पे? शो पीस के लिए रखा है। जो ये हमारा कंसेप्ट है मजबूत लंदन, ये पूरा ओल्ड स्टाइल का कंसेप्ट है। मतलब लोग ये अनार देखे उधर साइड में, हमारे पास और भी गाने, मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ चलिए जल्दी देखते हैं, आइए भाई। तो ये अपने सब्सक्राइबर है। हाँ, देखते हैं व्लॉग। हाँ देखते हैं ना। तो ये जो रेस्टोरेंट है काफी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लग रहा है। बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। हाँ तो यहाँ पे पोटैटो जी, ये ओल्ड स्टाइल के इंडिया में जैसे रहते हैं वैसे जी जी। हाँ लहसुन, दिस इज सुमक, ओके, एंड दिस इज क्लोव, एंड दिस इज फिश सिबास। वी हैव दिस इज 17 केडी फिश इन 17 केडी फिश, ओके ओके। वी हैव फ्रेश फिशेस आल्सो देयर। ये कौन सी फिश है? वी हैव बलून, नगरूर, सिबास, टाइगर प्रॉन्स। Okay. तो ये सारी चीजें बाहर क्यों रखी हुई है, इसका रीजन क्या है? वी नीड टू इंट्रैक्ट द गेस्ट, ओके, ज्यादा आकर्षित होके रेस्टोरेंट में आए। और ये हमारा रेस्टोरेंट का कंसेप्ट ही है। ये फिर इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे हम लोग। आगे आ जाओ कभी। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। थैंक यू आप। अंकल यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं। तारिक भाई हमको जबरदस्ती एवेन्यू से निकाल के यहाँ पर लेके आए हैं। हया रेस्टोरेंट, नहीं यहाँ का सीजलिंग जो है, मतलब बिरयानी जो है काफी बढ़िया है, तो मैंने सोचा कि आप ट्राई करते हैं। फिर चलो फिर अंदर चलते हैं। आते बुर्ज खलीफा, लिबरेशन टावर, ट्विन टावर किधर है? ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे ताजमहल भी है। जहाँ जाओ वहाँ पे एमएफकिंस मिलते हैं, जहाँ जाओ वहाँ पे एमएफकिंस मिलते हैं। काफी अच्छा लगता है यार, एमएफकिंस का प्यार जब हम पे बरसता है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बस आप लोग ऐसे ही मिलते रहिए, साथ में हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये है चिकन कढ़ाई एंड ये है मटन बिरयानी, ये है चिकन बिरयानी, और यहाँ पे ये मक्खन परोड़ा है क्या? नहीं, गार्लिक नान। ओके सर, फिर ख़त्म करके आप लोगों से मिलते हैं। आज तो फिर लगता है कि बस में हंगामा मच जाएगा, बहुत ज़्यादा आइटम। फाइनली अपना डिनर हो गया, इतना खा लिए ना कि लगता है कि बस में निकल जाएगा। सीरियसली टेस्टी था खाना। और ये ताज का फोटो अभी रिसेंटली हमारे कलीम ने ताज का ब्लॉग डाला है, ताजमहल का, तो जाकर देखो यार, थोड़ा व्यूज बढ़ाइए इनके। और हमारे तारिक भाई, इनका भी आपके चैनल का नाम क्या? तारिक ब्लॉग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कलीम भाई का और इनका भी, ताकि इनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को, तो आज के लिए पसंद मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बढ़ेगा खुदाफिश। शिमला।